नमस्कार टेक ट्यूबर्स, स्वागत है आपका प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप रिमूव कर सकते हैं प्राइम ओएस, फिनिक्स ओएस, रिमिक्स ओएस, एंड्रॉइड ओएस या फिर कोई से भी ग्रुप बेस्ड ओएस को अपने बूट लोडर से विंडोज 10 में। सो लेट्स गेट इन। तो ये मेथड वर्क करने वाला है ग्रुप में, यानी जो इस तरीके की स्क्रीन आती है आपके पीसी में स्टार्टिंग में, अगर ऐसी ही आती है आपको ये रिमूव करना है तो ये उसी के लिए वर्क करने वाला है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रुप को रिमूव करने वाली, लेकिन लोग सर्च कर रहे थे कि प्राइम ओएस, फिनिक्स ओएस इनको कैसे रिमूव करें, तो सेम ही मेथड है। मैं उसी वीडियो को यहां से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आपने वही वीडियो देख लेनी है, मैं आपको लिंक नहीं दे रहा हूं, इसी से आगे वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और आपने वही देख लेनी है और उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे आप बूट लोडर को रिमूव कर सकते हैं विंडोज 10 में। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पे पावर बटन में क्लिक कर लेना है और अब आपने अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और उसके बाद रीस्टार्ट में क्लिक करना है। इसके बाद प्लीज वेट लिखा हुआ आएगा और इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आपने ट्रबल शूट में क्लिक करना है, यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में क्लिक करना है, इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेना है और इसके बाद थोड़ी देर तक ब्लैक स्क्रीन आएगी और उसके बाद आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा ग्रुप खुलेगा, यहाँ पे आपने नीचे जाके विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके कुछ देर बाद इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, इसके बाद आपने टाइप करना है बूट रैक। और स्लैश देके स्कैन ओएस। इसके बाद आपने एंटर करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं बूट रैक डालने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो इनमें से सबसे पहले आपने फिक्स MBR वाला ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे आपने डालना है बूट रैक, उसके बाद स्पेस देके स्लैश फिक्स MBR और एंटर कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपने बूट रैक फिक्स बूट वाली कमांड को लिख देना है और एंटर कर देना है। तो ये मैंने पुरानी वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिक्स बूट जब हम ये वाली कमांड डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेस इस डिनाइड लिखा हुआ आ सकता है, और ऐसा आता भी है तो कोई बात नहीं, आपने बस कंटिन्यू करते रहना है। इस पीसी में भी आप देखेंगे एक्सेस इस डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है, फिर भी ये काम कर रहा है। इसके बाद आपने लास्ट स्टेप करना है रीबिल्ड BCD का। यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है बूट रैक रीबिल्ड BCD और एंटर कर देना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है और यहाँ पे टर्न ऑफ योर पीसी में क्लिक करना है ताकि आप देख सकें कि अगली बार ग्रुप आता है या नहीं। इसके बाद अपने पीसी को दोबारा खोल लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप नहीं आया और सीधे ही विंडोज़ खुल चुकी है। तो टेक ट्यूबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। जो एक्सेस इस डिनाइड लिखा हुआ आता है वो आपको अब प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले भी कमेंट किया था कई लोगों ने कि जो एक्सेस इस डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है उससे प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसा नहीं हो रहा है। बस आपने ऐसे ही सारे स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना है और बूट लोडर हट जाएगा, सीधे विंडोज 10 ओपन होने लग जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स टेक ट्यूबर्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।